इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी। बता दें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ेगी बीएसपी। यूपी उत्तराखंड में चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी, आम चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी बसपा। बड़ी जानकारी, मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी उत्तराखंड में चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा और मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं, आम चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी बसपा और अकेले ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी बसपा। मायावती ने ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अकेले बसपा लड़ेगी और यूपी उत्तराखंड में चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मायावती ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव में बसपा किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव लड़ेगी। चुनाव से पहले मायावती ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ेगी बसपा। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, बड़ा ऐलान किया गया है मायावती की तरफ से, जहां पर विधानसभा चुनाव में बसपा अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये वाकई बड़ा ऐलान है मायावती का, जो कि बसपा सुप्रीमो है और कई बार मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश का। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो गठबंधन में नहीं जा रही हैं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। जब भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब गठबंधन कर रहे हैं, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण बैठा रहे हो, तो ऐसे मौके पर अगर मायावती ये कहती हैं तो ये बड़ा फैसला ही कहा जाएगा। तो अब देखना है कि फैसला उनको जीत के कितना करीब ले जाता है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि देखिए, सपा से तो गठबंधन होना नहीं है बहुजन समाज पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ तक कांग्रेस की बात करिए, समाजवादी पार्टी की बात करिए, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, तो ये माना जाता है कि जो मायावती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट रहती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ भी बहुत ज़्यादा आपका हक नहीं बनता है। तो फिर ऐसे मामले में अगर मायावती अनाउंस कर रही हैं, दूसरी खास बात यह है कि क्या मुद्दे लेकर जाएंगी मायावती इस चुनाव में, ये सबसे अहम चीज होगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा ऐलान जरूर मायावती ने कर दिया है कि वो अकेले सभी सीटों पर, यानी कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जो ये बताता है कि अभी मायावती को भरोसा है अपने वोट बैंक पर, अपने ताकत पर और अपने इंटेलिजेंस पर भरोसा है। लेकिन ये भरोसा क्या उनको जीत के करीब ले जा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, जो हमें पता चलेगा 2022 के चुनाव के नतीजे में। बिल्कुल खुर्रम, मायावती का ये जो ऐलान है, इसके सियासी मायने कैसे देखा जाए, क्या निकाला जाए? देखिए, सियासी माने जो आप पहले यही निकालिए कि हर पार्टी अब अपने अपने जो मोरे सेट कर रही है। मसलन समाजवादी पार्टी महान दल से कर चुकी है और किससे करना है, छोटे दलों का स्वागत कर रही है। पीएसपी भी है उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार अपने गठबंधन तलाश रही है कि किसका गठबंधन हो सकता है। तो वहीं अगर हम बात करें ओवैसी की, बात करें राजभर की, बात करें उनका राजभर की बात करें, तो ऑलरेडी वो अलायंस में आ चुके हैं और लोगों को अलायंस में लेना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि जब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बवंडर में गठबंधन का जोर चल रहा है, ऐसे मौके पर अगर मायावती कहती है कि हम नहीं करेंगे गठबंधन, तो बताता है कि उनको अभी भी बहुत पॉजिटिव है अपनी इंटेलिजेंसिया को लेकर के, अपनी ताकत को लेकर के, अपने वोट बैंक को लेकर के। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि उनका ये भरोसा, उनका ये कॉन्फिडेंस उनको जीत के कितने करीब ले जा पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल खुर्रम, क्योंकि मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया, क्या लगता है, क्या बसपा का संगठन जो है वो कमजोर पड़ गया है? नहीं, संगठन कमजोर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहूँ कहा जा सकता है संगठन के जो हीरे थे वो अब वहाँ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रामाजर राजभर की, मैं बात कर रहा हूँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, मैं बात कर रहा हूँ आर के चौधरी की, मैं बात कर रहा हूँ लालजी वर्मा की। ये वो नाम थे, बड़े नाम थे, जिन पर बसपा की जो पहचान बने हुए थे और मायावती की बेहद करीबी थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और मायावती के आज बेहद करीबियों में से सिर्फ एक शख्स बचा है, वो है सतीश चंद्र मिश्रा। उसके बावजूद आप नहीं कह सकते कोई बहुत करीबी मायावती का आज उनके साथ है। तो संगठन की बात कीजिए, मायावती की खासियत ये है कि जब
एक एक सांसद की कीमत हुआ करती थी, जब एक एक विधायक कीमत हुआ करती है, उस वक्त भी एंटी पार्टी एक्टिविटी के कारण वो अपने सांसद और अपने विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। यानी कि उनको मालूम है कि उनका ये अंदाज उनके वोट बैंक को पसंद आएगा। आप देखिए कि मैंने कई बार मायावती को एज अ चीफ मिनिस्टर कवर किया है, और जिस तरीके से जैसे उनका उनका एक तरीका है कि जैसे मुख्यमंत्री की शपथ लेती हैं तुरंत अम्बेडकर पार्क के निरीक्षण पहुँच जाती हैं, कमियाँ ढूंढती हैं, कमियाँ दिख जाती हैं, तो जो भी इंचार्ज होता है चाहे वीसी हो चाहे कोई हो उसको तुरंत सस्पेंड कर देती है, मैसेज देती। आपको याद होगा कि जब एक बार मुख्यमंत्री बनी तो किस तरीके से उन्होंने एक अपने ही बाहुबली सांसद को घर पर बुला के अरेस्ट करा दिया था। तो ये मैसेज जाता है, देखिए वो मैसेज देना जानती हैं। एक बार फिर उन्होंने मैसेज दिया, ये उनको भी मालूम है मायावती को कि 2022 का चुनाव उनके लिए करो या मरो की स्थिति में है, क्योंकि अगर इस बार वो सत्ता से बाहर हुई तो 15 साल के लिए सत्ता से बाहर होगी, 5 साल अखिलेश यादव पहले, फिर 5 साल योगी सरकार, अगर इस बार बाहर होती हैं तो 15 साल के लिए बाहर होगी, उनकी उम्र उनका साथ अब नहीं दे रहा, काफ़ी उम्र दराज भी हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि 15 साल अगर आप सत्ता से बाहर होते हैं तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो यही वजह है कि उन्होंने साफ मैसेज दिया है अपने वोटर्स को, ट्रेडिशनल वोटर्स को, बहुजन वोटर्स को दिया है कि मैं आपके भरोसे चुनाव लड़ रही हूं, और अब देखना यही होगा कि ये भरोसा उनको जीके कितने करीब ले जा पाता है। बिल्कुल खुर्रम, बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच